साथियों, हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए आजादी से यहां तक का सफर तय किया है। हर भारतीय का ध्येय एक विकसित समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश का विकसित होना उतना ही जरूरी है। आज हम सभी आपके सामने इसी महायज्ञ के लिए आपका सहयोग मांगने आए हैं। उत्तर प्रदेश आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। साथियों, मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन घोर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए घोर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के लोगों ने भी बहुत भेदभाव झेला। झेला था कि नहीं झेला था? आपके साथ भेदभाव होता था कि नहीं होता था? अब योगी जी की सरकार पिछले 5 सालों से हर वो प्रयास कर रही है जो आपके जीवन में सहूलियत ला सके, जो गरीब को सम्मान दे सके। और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी बाधा थी यूपी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। बीते 5 साल में भाजपा सरकार यहां की कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आई है। वो जो आपके हक की जमीन पर बैठे थे, वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं, वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? आने देना है क्या? भाइयों बहनों, ये जो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी सुधरे नहीं है, अभी भी आखिरी सांस ले रहे हैं और बदले का भाव लेके बैठे हैं, उनको दोबारा खड़े नहीं होने देना है।